लोग घर में लुकैलन आशा बना घूमे लागलिया हो कोरोना के बेमरिया आशा बना घूमे गली गलिया हो कोरोना के बेमरिया बेटा मर्दाना कहे भारी महामारिया बेटा परिवार कहे भारी बनी घरे घरे हो भारी महामारिया ना जाऊ बनी घरे घरे हो भारी महामारिया तैयो न माने लाया सा बहनिया तैयो न माने लाया सा बहनिया जाए ला घरे घरे लेके फरमा भैया हो कोरोना के बेमरिया देशवा इस सरकार के जो हम सौतेला व्यवहार किया है इसके लिए हम लोग सुतेंगे नहीं नींद से नहीं सोएंगे इसके लिए हम सरकार का विरोध करेंगे जहाँ तक बनेगा वहाँ तक हम लोग खदरेंगे दिल्ली तक हम लोग पहुँचने वाले हैं अब यहीं हम लोग दिल्ली तक जाएंगे देखिए हम लोग इसके लिए इज्जत होता है हम लोग को रोड पर निकाल दिया सरकार निकाल करके हम लोग के लिए कोई सोच नहीं रखा है कोई विचार नहीं रखा है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये दो दिवसीय धरना है आशा बहनों का और इनकी जो मांग है वो मानदेय को लेकर है और जिस तरह से विरोध कर रही हैं अपने गीतों के माध्यम से सरकार को ये बताना चाह रही है कि हमारी जो मानदेय है हम जो डिलीवरी में जाते हैं पोलियो पिलाते हैं उसका जो मानदेय मुझे मिलता है वो बहुत कम राशि है और महंगाई जो है वो चरम सीमा पर है और पूरा परिवार जब इनके घर से जब रात को अगर फ़ोन आ जाए कि अगर किसी का डिलीवरी है उस वक्त जाना होता है जब ये खाना बनाती रहती हैं और उनका परिवार अगर कहता है कि कौन सी नौकरी करती है तो वो दर्द अपने TheHDNews न्यूज़ के कैमरे के सामने पूरा आशा बहने ने अपना दर्द जो है वो रोना और गाना दोनों सुनाकर ये दर्द बयां करी हैं। अगर पटना की सरकार अगर बिहार की सरकार नहीं सुनती तो दिल्ली के जंतर मंतर पर भी आंदोलन करेंगे।